कौन है ये कंटेस्टेंट जो इस बार बिग बॉस OTT3 की ट्रॉफी ले जाएगा? जनता के दिलों का राजा बन छा गया है ये सितारा। तो बिग बॉस OTT सीजन 3 में कंटेस्टेंट के घर से बाहर होने के बाद 15 घर वालों के बीच ट्रॉफी की जंग है। अपनी असली पर्सनालिटी दिखाकर सभी कंटेस्टेंट्स दर्शकों का दिल जीतने की कोशिश कर रहे हैं। एक कंटेस्टेंट को पहले हफ्ते फायदा भी मिला है, एक कंटेस्टेंट को जनता ने बहुत प्यार भी दिया है, अब वो किंग बन गया है। जी हाँ, विवादित रियलिटी शो बिग बॉस एक ऐसा शो है जिससे कई सितारों की किस्मत चमकाई है। टीवी पर तो सभी बिग बॉस का लुत्फ उठाते ही हैं, लेकिन अब OTT पर भी इसका जलवा दिखाई दे रहा है। OTT की पहले सीजन का ट्रॉफी दिव्या अग्रवाल लेकर गई थी, वही दूसरे सीजन का को पहला वाइल्ड कार्ड विनर मिला और एल्विश यादव के हाथ में ट्रॉफी लगी। अब एल्विश के बेस्ट फ्रेंड कटारिया है इस सीजन बिग बॉस OTT3 में और उनका वो काफी सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो बिग बॉस के घर में जो है सभी जनता का दिल जीतने के लिए पूरी कोशिश में लगे हैं, लेकिन किसके हाथ में ट्रॉफी जाएगी ये तो वक्त ही बताएगा। मगर हाँ, इस हफ्ते किसने जनता का दिल जीता है इसका रिजल्ट आ गया है। 4 दिन पहले बिग बॉस ने 6 कंटेस्टेंट्स के बीच बिग बॉस मीटर चलाया था, जिसमें कृतिका मलिक, विशाल पांडे, रणवीर शौरी, नोजी, लवकेश कटारिया, सना सुल्तान थे। अब इस बिग बॉस मीटर का विनर कौन बना है ये रिवील हो गया है। जियो सिनेमा के जारी पोस्ट में बताया गया कि हफ्ते बॉस मीटर का किंग एल्विश यादव के बेस्ट फ्रेंड लवकेश कटारिया बने हैं। जी हाँ, लवकेश कटारिया एल्विश यादव के दोस्त हैं, बेस्ट फ्रेंड हैं और एक फेमस यूट्यूबर हैं जिन्हें बिग बॉस OTT2 में एल्विश का सपोर्ट करने की वजह से पॉपुलैरिटी मिली थी। यूट्यूब पर भी उनके व्लॉग्स बहुत वायरल होते हैं। बिग बॉस में आने के बाद से ही लवकेश चर्चा बटोर रहे हैं, वो खुद के लिए स्टैंड ले रहे हैं और दर्शकों का मनोरंजन भी कर रहे हैं। स्ट्रैटेजी और गेम प्लान के साथ जो है बिग बॉस खेल रहे हैं। और वहीं एल्विश जो उनके बेस्ट फ्रेंड है एल्विश यादव, वो भी उनके लिए वोट मांगने में पीछे नहीं हट रहे हैं। हर दिन अपने व्लॉग्स में, चाहे वीडियो में, इंस्टाग्राम पर, पूरे सोशल मीडिया हैंडल पर अपने बेस्ट फ्रेंड लवकेश कटारिया को वोट करने के लिए अपील करते रहते हैं। लेकिन बिग बॉस इस बार का बहुत ही खतरनाक है। ताबड़तोड़ जो है ये हाई वोल्टेज मुकाबले चलते हैं। आते ही जो है लोगों ने सभी फैंस को एंटरटेन करना शुरू कर दिया। शिवानी कुमारी भी सबकी फेवरेट बन गई हैं। तो वहीं अब वायरल वड़ा पाव गर्ल जो सबसे ज्यादा ट्रोल हुई थी दिल्ली में उनके वड़ा पाव को लेकर, अब वो भी बिग बॉस में हैं। लेकिन उनको ट्रोल करने के बाद जिस तरीके से वो गेम प्लान खेल रही हैं उनको भी काफी लोग पसंद कर रहे हैं। वहीं अरमान मलिक और उनकी दोनों बीवियां, जहां पे आपने देखा कि पायल मलिक रोती हुई दिखाई दी और कृतिका को लेकर जो है लोगों के मन में नफरत पैदा हो गई, लेकिन पायल ने सॉफ्ट टारगेट कर अपने सारे वोट्स अपनी तरफ कर लिए। लेकिन अरमान मलिक की लड़ाई तो अब शिवानी के साथ भी देखने को मिली। तो चलिए, अभी तो ये वक्त ही बताएगा कौन बिग बॉस की ट्रॉफी लेके जाएगा। लेकिन इस वीक का विनर जो देखा जाए, यानी कि जनता ने सबसे ज्यादा प्यार जिसे दिया है, सबसे ज्यादा जनता जिसे पसंद करती है, वो है लवकेश कटारिया। जी हाँ, बॉस मीटर के किंग बने हैं लवकेश कटारिया। तो वो नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि एल्विश यादव के बेस्टी लवकेश कटारिया कैसा खेल रहे हैं, क्या आप चाहते हैं कि बिग बॉस की ट्रॉफी एल्विश के बेस्टी लेकर जाएं।